नमस्ते, मैं संगीता। स्वागत है आपका संगीता किचन क्राफ्ट में। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाने की लड्डू। थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, जो कि आप इसे फास्टिंग में यानी व्रत त्यौहार पे भी खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। साबूदाने का लड्डू बनाने के लिए छोटे वाले साबूदाना है उसको लेना है, और जिस कटोरे से हम साबूदाना लेंगे उसी कटोरा से एक कटोरा जितना ये है उतना उससे थोड़ा सा कम चीनी लेना है। तो चलिए इसको सबसे पहले, अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो जब हम इसको पानी में फूलने के लिए डालेंगे ना, तो पानी में थोड़ी सी हल्का सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मीठा जब होता है ना तो उसमें नमक डालने से वो मीठा जो है उसको वो बैलेंस करता है। तो चलिए इसको पहले हम पानी में सोप कर लेते हैं 2 से 4 घंटे के लिए। 2 से 4 घंटे हो गए, देखिए इस तरह से मैंने इसे पानी में फूलने के लिए डाला था, जो इस तरह से फूल चुका है अच्छी तरह से। और इसमें ये मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें हल्का सा नमक डाला था। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, और या तो फिर अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से सोव कर चुके हैं, अब ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इसे किसी छन्नी में अच्छे से छान लेते हैं ताकि जो इसका बचा हुआ पानी है वो निकल जाएगा, वो सारा इससे निकल जाएगा। इसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, और तब तक हम क्या करते हैं कि एक गैस पे हम कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा देते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई गरम करने के लिए चढ़ा देंगे। जैसे ही कढ़ाई हमारा गरम हो जाएगा, हम इसमें 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे, या फिर आप रिफाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको गरम होने देते हैं थोड़ा देर, और उसके बाद मैंने ये लिया है, ये है हमारा 3 से 4 मैं ली हूँ बादाम, 3 से 4 मैंने बादाम लिया है, और ये चिनिया बादाम है थोड़ी सी, और ये मगज जिसको हम लोग तारबूज का बीज बोलते हैं ना वो है, और ये किशमिश, और 3 से 4 ये मैंने इलायची लिया है। तो चलिए इसको पहले हम, गरम कढ़ाई हो चुका है, इस हम इसको एकदम स्लो फॉर्म में कर देते हैं कढ़ाई को। अब हम इसमें बादाम डालेंगे, किशमिश डालेंगे, जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं इसको हम थोड़ा सा चला लेते हैं, ज़्यादा हमें नहीं भूलना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में, ये हो चुका है। तेल कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था इसलिए मैंने गैस को ऑफ कर दिया, अब हम इसको डाल देते हैं। ये मगज जो मैंने डाला था वो है, जैसे ही ज़्यादा इसको हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसे ये हल्का सा सोंधा होने लगेगा ना तब हम इसको निकाल देंगे। देखिए ये हो चुका है, अब हम इसको जिस बर्तन में बाकी का ड्राई फ्रूट निकाले थे उसी में हम निकाल लेंगे। कर रखा था ये आप साबूदाना, वो सारे साबूदानों को मैं इसमें डाल दूंगी। ये जैसे जैसे ये भुन जाएगा ना तो ये चिपकने लगेगा एक दूसरे में, तो इस तरह से हम इसको पूरा अच्छे से भूंजेंगे पहले। ये खुद ही इसका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पारदर्शी जिसको बोलते हैं ना, वो उस टाइप का ये कलर हो जाएगा भूनने के बाद। इसको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। देखिए इसका कलर जो है वो अलग ट्रांसपेरेंट होने लगा है, हम थोड़ी देर इसको और इसी भूंजेंगे इसको अच्छे से। अब मैं जिस कटोरी से ये ली थी ना मैं साबूदाना, उसी कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने चीनी लिया है, और देखिए साबूदाना जो है ना उसका कलर भी देखिए चेंज हो गया, बिल्कुल देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है ना पूरा। अब हम इसमें डाल देंगे शुगर, चीनी को हम डाल देंगे इसमें, याद रहे जितना हम डाले थे साबूदाना जिस कटोरी से
मेजरमेंट से उसी कटोरी से हमें चीनी डालना है। बस आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी जो है हल्का कम बेसी कर सकते हैं। तो बस इसे हम इसमें चलाएंगे। अब हम जैसे ही इसमें हम चीनी डालेंगे ना, ये गलने लगेगा, ये चीनी जैसे गलेगा ये पूरा लिक्विड फॉर्म में होने लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, 2 बड़ा चम्मच ये मैं नारियल का बुरादा ली हूँ उसको मैं डाल दूँगी। अब हम इसको चला लेंगे। जितने भी ड्राई फ्रूट रखे थे सबको, केवल बादाम को मैं छोटे टुकड़े में काट ली हूँ, बाकी सभी को मैं इस तरह से डाल दूँगी। इसको चला लेंगे। किशमिश चाहे तो आप छोटे टुकड़े में कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे ही आप गोटा रखने देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं गोटा ही रहने दी हूँ और बाकी जो बड़ा बादाम था उसको मैं काट कर दी हूँ। फूड कलर जो मैंने लिया था ना उसमें हल्का सा पानी में डाल करके इसे घोल लूँगी इस तरह से, कलर के लिए। आप चाहे तो आप कलर के लिए डाल सकते हैं और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। बस अब हम इसे चला लेंगे। और ये जब होने लगेगा अच्छी तरह से, तब ये मैं 2 बड़े चम्मच अमूल का पाउडर ली हूँ। इसे घोलना नहीं है, बस ऐसे ही डाल करके हमें चलाना है इसको। इसे हम ऐसे ही मिक्स करेंगे। अब जब ये देखिए बनने जैसा होने लगा है, तब हम इसमें क्या डाल देंगे, इलायची। इलायची को हल्का सा तोड़ लेंगे और इसके बीज को फ्लेवर के लिए सिर्फ डालना है। इसको कवर को हम अलग रख देंगे, ये चाय वगैरह बनाने में काम आ जाता है। निकाल लिए। अब हम इसको देखिए ये बनने जैसा हो गया है हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, गैस को बंद करेंगे पहले ही, ये आराम से बन जा हम बांध सके इसको लड्डू। देखिए ये हो गया, अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को। देखिए हो रहा है ना, देखिए इस तरह का ही चाहिए। अब ये हल्का जब सुसुम रहेगा, सुसुम मतलब हल्का गुनगुना रहेगा ना, तब हम इसको बांधेंगे लड्डू। ये हल्का ठंडा हो गया है, अब हम हाथ में घी या तेल कुछ भी आप लगा कर, ताकि वो चिपके नहीं, इसको हम लड्डू बांधेंगे इस तरह से। बस इसी तरह से हम सारे लड्डू को बांध लेंगे। आप अपने अनुसार बड़ा छोटा जो भी आकार देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जब चिपकने लगे तो थोड़ा सा तेल और ले लेंगे हाथ में। बस इसी तरह से हम इसको बांधते जाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा साबूदाना का लड्डू बनकर तैयार है। आप इसे कभी भी कोई भी व्रत त्यौहार में बना सकते हैं। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ठीक, देखिए फ्रेंड, हमारा साबूदाना का लड्डू बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।
मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।